आज से कुछ साल पहले 20 रुपीज या 50 रुपीज का रिचार्ज करने पे हमें महीने भर के लिए 500 MB या 1 GB डेटा यूज करने के लिए मिलता था। लेकिन फिर एंट्री हुई मार्केट में रिलायंस जियो की, जिसने डेटा पैक की दुनिया में एक बड़ा सी रेवोल्यूशन लेके आया और जिसकी वजह से हर महीने की जगह आज हम हर रोज 1 GB डेटा और कुछ लोग तो हर रोज 2 GB डेटा यूज करते हैं। अब इमेजिन करो, आप 500 रुपए का रिचार्ज कराते हो जिसमें आपको हर रोज 1 GB डेटा मिलना चाहिए, बट रिचार्ज कराने के बाद आपको पता चलता है कि आपको 1 GB की जगह सिर्फ 200 MB डेटा मिल रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? वेल, एज अ यूट्यूबर मुझे ये चीज बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाएगी एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होगा। अब ये डेली डेटा पैक वाला एग्जाम्पल हमारे आज के टॉपिक से भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। हमारा ब्रेन बेसिकली उस 2 GB डेटा की तरह है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि 2 GB अवेलेबल होने के बावजूद हम अपने ब्रेन का सिर्फ 200 MB यूज करते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर हमारे ब्रेन की थिंकिंग स्किल्स और एबिलिटी 100% है तो हम उसका सिर्फ और सिर्फ 2% ही यूज करते हैं। एंड सरप्राइजिंगली यहाँ हमें ना ही गुस्सा आता है ना ही फ्रस्ट्रेशन फील होता है, कितनी कैपेबिलिटी होने के बावजूद हम अपनी थिंकिंग स्किल्स को कितना कम यूज करते हैं। और शायद इसी वजह से हम जिंदगी भर एक नॉर्मल मिडिल क्लास और लेस सक्सेसफुल इंसान बने रहते हैं, क्योंकि एक स्मार्ट और जीनियस इंसान अपनी थिंकिंग एबिलिटी को हर वक्त पूरा 100% यूज करते हुए अलग अलग आइडियाज और इन्वेंशन को जनरेट करते रहता है और जिसकी हेल्प से वो ढेर सारे पैसे भी कमाता है और एक सक्सेसफुल इंसान भी बन जाता है। अब स्कूल टाइम से हमें सिखाया जाता है कि दुनिया में सबसे फास्टेस्ट थिंग है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा जो फास्टेस्ट थिंग इस दुनिया में है वो है इंसान की थिंकिंग पावर। बट अनफॉर्चुनेटली हम में से ज्यादातर लोग अपनी इस पावर का पूरी तरह फायदा नहीं उठा पाते। इसलिए अगर आप अपनी थिंकिंग पावर को पूरी तरह यूटिलाइज करके एक रिच और सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि अभी मैं आपके साथ ऐसे 4 थिंकिंग टिप्स और टेक्निक शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से आप अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी को परफेक्टली यूज करके एक स्मार्ट और क्रिएटिव इंसान बन जाओगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, फ्लेक्सिबल थिंकिंग। आज से कुछ साल पहले नोकिया कंपनी मोबाइल की मार्केट को रूल किया करती थी। हर कोई नोकिया का मोबाइल ही लेना प्रिफर करता था। लेकिन फिर जैसा कि हम सब जानते कि मोबाइल की दुनिया में बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आया एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, सभी ब्रांड्स ने खुद को फ्लेक्सिबल बनाते हुए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अडेप्ट किया एक्सेप्ट नोकिया कंपनी के, और जिसका इम्पैक्ट हम सब जानते हैं। किस तरह नोकिया फोन की डिमांड कम होने लगी और कैसे बस कुछ ही टाइम में नोकिया का नाम मोबाइल मार्केट से खत्म हो गया। अब इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था नोकिया का नॉन फ्लेक्सिबल बने रहना और पुराने प्रोडक्ट और पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को ही मार्केट में चलाना। भले ही नोकिया ने बाद में खुद को फ्लेक्सिबल बनाते हुए कमबैक करने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए अगर आप इस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में पीछे रहना नहीं चाहते हो तो आपको अपनी थिंकिंग को फ्लेक्सिबल बनाना होगा। हर रोज दुनिया में जो जो न्यू चेंजेस होते रहते हैं उसे क्विकली अडेप्ट करके खुद को और अपनी थिंकिंग को भी अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप बुक्स रीड करके अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करोगे, डे टू डे इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करके खुद को अप टू डेट रखोगे। क्योंकि जब आपको बाहर की दुनिया की फुल नॉलेज होगी तभी आप खुद को और अपनी थिंकिंग को फ्लेक्सिबल बना के दूसरों के साथ इजीली कम्पीट करके आगे बढ़ सकोगे। नंबर 2, क्रिएटिव थिंकिंग। आज हम फेसबुक यूज करते हैं जो मार्क ज़करबर्ग की क्रिएटिव थिंकिंग का रिजल्ट है। कंप्यूटर को इजीली ऑपरेट कर पाते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की वजह से, जो बिल गेट्स की क्रिएटिव थिंकिंग का रिजल्ट है। घर बैठे ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट मंगा लेते हैं सिर्फ और सिर्फ जेफ बेजोस की क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर आप स्मार्ट और सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो तो आपको अपनी थिंकिंग को क्रिएटिव बनाना होगा, अपने हर गोल को इजी, फास्ट और सिंपल वे में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना होगा। बेसिकली एक क्रिएटिव थिंकर बनने के लिए आपको 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। फर्स्ट, आपको अपने गोल्स को लेकर एकदम क्लियर होना होगा। सेकंड, मल्टीटास्किंग को अवॉइड करते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने उस गोल पे फोकस करना होगा। थर्ड, हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन स्पेशली सोशल मीडिया और मोबाइल फोन्स को छोड़ना होगा और अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपने उस एक इम्पोर्टेंट गोल पे देना होगा सो डेट आप उसे इजिली पूरा कर सको। नंबर 3, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। एक नॉर्मल मिडिल क्लास अनसक्सेसफुल इंसान अपनी पूरी जिंदगी इसलिए स्ट्रगल करते रहता है क्योंकि वो हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम में उलझा रहता है, जिसकी वजह से वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाता है।
वहीं दूसरी तरफ एक सक्सेसफुल रिच इंसान हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हुए अपने फ्यूचर में मिलने वाले रिजल्ट और उस रिजल्ट से मिलने वाले फर्दर रिजल्ट के बारे में सोचते रहता है। इसलिए अगर आप भी सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो तो एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग एटीट्यूड को डेवलप करो। आपको बेसिकली सबसे पहले ये सोचना होगा कि आज से 10 साल के बाद आप खुद को कहां देखना चाहते हो, आज से 10 साल के बाद कौन कौन से वो गोल्स है जो आप अचीव करना चाहते हो। एक बार जब आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को डिसाइड कर लोगे तो फिर अकॉर्डिंगली आपको उससे रिलेटेड एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाना होगा। अब यहाँ एक कॉमन मिस्टेक है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वो अपने गोल्स तो डिसाइड कर लेते हैं, प्लान भी बना लेते हैं, लेकिन उस प्लान को पूरा करने के लिए कोई भी एक्शंस नहीं लेते। याद रखो, आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग की हेल्प से सक्सेसफुल तभी बन पाओगे जब आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग एक्शंस लोगे, अपनी विक्ट्री से इंस्पिरेशन और अपने मिस्टेक से लेसन सीख के अपने गोल्स को अचीव करते रहोगे। नंबर 4, पॉजिटिव थिंकिंग। इस वीडियो का बेसिक कोर कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अलग अलग सिचुएशन और कंडीशन में आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहते रहता हूँ कि अगर आप जेन्युइनली लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपने हर एक गोल्स को अचीव करना चाहते हो, तो अपनी थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रखा करो। नो मैटर कैसी सिचुएशन है, नो मैटर कैसी भी प्रॉब्लम हो, हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचा करो, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग से आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेसफुल और डिप्रेस फील करोगे और हमेशा टेंशन में रहने की वजह से आप अपने गोल्स को भी अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग आपके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएगी, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी और आपको सेल्फ मोटिवेट करेगी, जिससे आपको भी ये बिलीव होने लगेगा कि कैसी भी प्रॉब्लम हो आप उसे ओवरकम करके अपने गोल्स को जरूर अचीव कर लोगे। सो टू कंक्लूड, ये अमेजिंग बातें मैंने आपको ब्रायन ट्रेसिंग की लिखी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक गेट स्मार्ट से बताया हूं। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक पढ़ सकते हो। अप टू एंड, अगर आपको इस वीडियो में बताए गए टिप्स और टेक्निक यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट करके बताओ कि आप इनमें से कौन सी थिंकिंग टेक्निक को फॉलो करते हो। शेयर करो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी, सो डेट वो भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सके। और अगर आप ऐसी और बुक समरी टाइप वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करो, सो डेट आप मेरे एक भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।